मुझे एक बात पता चली है, ऐसे इंसान की एक्टिंग करती है जिसकी एक्टिंग करना मुझे लगता है इम्पॉसिबल है। कौन? हमारे पवन दा। सच में? हाँ। कर पाओगी? हाँ। दिखाओ दिखाओ। अभी आप आगे दोस्तों इनका पूरा परफॉर्मेंस पूरे एक मिनट से ऊपर का आप देखने वाले हैं, जिसमें कि दिया हेगड़े छा गई है सिर्फ अपने सुपरस्टार सिंगिंग से ही नहीं बल्कि अपने सुपरस्टार एक्टिंग से भी। जिस तरीके का कमाल की एक्टिंग उन्होंने पवनदीप राजन के ऊपर में करके दिखाई है, जिसे सुनने के बाद में सिर्फ पवनदीप ही नहीं हमारे बाकी सभी कैप्टन्स और जज नेहा कक्कड़ सबों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। जहां की आगे आपको पहले बता दूं कि इन्होंने दिया हेगड़े और मिया महक एक साथ शानदार परफॉर्मेंस करती हुई नजर आ रही है मूवी उत्सव के गाने के ऊपर में मन क्यों बहका रे बहका। 1984 में यह मूवी आई थी जिसे कि लता मंगेशकर और आशा भोसले जी ने अपनी आवाज दी है। उस गाने को यह दोनों लाजवाब अंदाज में पेश करते हुए नजर आए हैं और उसके बाद में दिया हेगड़े की शानदार एक्टिंग आप खुद देखिए दोस्तों, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि दिया की यह शानदार एक्टिंग आपको कैसी लगी। इसको बोलते हैं परफेक्ट डेज। एक बात पता चली है कि ये ऐसे इंसान की एक्टिंग करती है जिसकी एक्टिंग करना मुझे लगता है इम्पॉसिबल है। अभी मैं पवनदीप भैया जैसा करना है तो थोड़ा सीरियस बनना पड़ेगा। आप दोनों ने बहुत कमाल किया मैम। ये लोग इतने छोटे से हैं पर पिहू को पूरी टाइमिंग याद है। लड़कियाँ सीरियसली पढ़ाई करती है तो याद करके लाए हैं। अरुणिता जी बहुत कमाल, क्या सिखाया है आपने बच्चों को, बहुत कमाल बहुत कमाल। मुझे लगता है तो पवन दा भी खुद की एक्टिंग इतनी अच्छे से नहीं करती। तो जैसा कि परफॉर्मेंस अभी आपने देखा है, जिस दौरान की जहां की एक तरफ इन दोनों की शानदार गायकी पर हर कोई फिदा हो जाता है, चाहे वो हमारे कैप्टन्स हो या सुपर जज नेहा मैम, साथ ही साथ दिया हेगड़े ने जिस तरह की कमाल की एक्टिंग स्किल दिखाई है, पवनदीप भी इनके परफॉर्मेंस को सुनकर और देखकर काफी हैरान हो जाते हैं, वही हाल हमारे बाकी सभी कैप्टन्स और जज नेहा मैम का भी रहता है। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि दिया हेगड़े की यह शानदार एक्टिंग आपको कैसी लगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और सुपरस्टार सिंगर 3 के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रभात जागरण।